नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीआईटी एनसीईआरटी के इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन में। आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। मैं सृजन राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूं गणित के इस सत्र में। कक्षा 10 के बच्चों के लिए गणित के इस सत्र में हमारा आज का विषय है प्रोबेबिलिटी पार्ट 1। तो प्रोबेबिलिटी पर हम बात करेंगे आज के इस गणित के सत्र में। आप सभी को बता दूं कि अगर आपको कोई भी समस्या या मन में कोई भी प्रश्न आए इस सत्र से संबंधित, तो आप बेझिझक हमसे शेयर कर सकते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ये फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये है 8800440559। या फिर आप हमें मेल लिख सकते हैं dth.class10@cieet.nic.in पर। तो ये एक लाइव इंटरेक्टिव फोन इन प्रोग्राम है, इसलिए जरूर आप अपने प्रश्नों के साथ हमसे जुड़ें, क्योंकि गणित का सत्र है, ऐसे में कक्षा 10 के बच्चों के मन में जरूर बहुत से प्रश्न उठेंगे। और विषय अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है, प्रोबेबिलिटी, किस चीज के होने की क्या संभावना है या ना होने की क्या संभावना है, इस बारे में जानेंगे हम। हमारे साथ एक गेस्ट हैं, एक्सपर्ट मैम सविता ग्राहक हैं, अकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं मैम गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सलारपुर रोड कुरुक्षेत्र से। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार सृजन, और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। मैम, क्या खास है आज के इस चैप्टर में? बच्चों ने पहले इससे रिलेटेड क्या 9th क्लास में कुछ पढ़ा है? आज हम उसी को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल सृजन जी, जैसे आपने बताया कि 9th क्लास में बच्चों ने प्रोबेबिलिटी को पढ़ा है, सो दिस इज नॉट अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर आवर स्टूडेंट्स, बट दिस इज द सिक्वेंशियल प्रोग्राम जो हम मेरे बच्चे ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अभी हम उसी के आगे बढ़ते हुए एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। जी, अगर मैम एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि क्लास 10th है, बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो ऐसे में इस चैप्टर को कितना वेटेज रहता है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर? जी सृजन, जैसा कि आपने पूछा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर हमारा कितना इम्पॉर्टेंट है, तो अनडाउटेडली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है ही। उसके साथ ही साथ दिस इज अ टॉपिक विच आर स्टूडेंट्स विल ऑल्सो स्टडी इन क्लास 11th एंड देन इन क्लास 12th। ऑलराइट, और सिर्फ और सिर्फ मैं हमेशा कोई भी टॉपिक जब हम डिस्कस करते हैं तो उसे रियल लाइफ से रिलेट करके हम कितना देख सकते हैं, क्योंकि मार्क्स स्कोर करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आज भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, बट उसको मार्क्स से अलग एक जो चीज है कि हम मैथ्स को एक बोरिंग, एक बॉर्डम जैसा सब्जेक्ट ना मानकर रियल लाइफ में उस सब्जेक्ट को कितना विजुअलाइज कर सकते हैं, कितना जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज रियली अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू रिलेट द मैथमेटिक्स विद द रियल लाइफ। थैंक्स। Yes, ma'am. That's a really important topic and interesting too. So, shall we start? जी, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हम दो अलग अलग पिक्चर्स हमारे सामने हैं। In the first picture, we can see कि बास्केटबॉल के अंदर बस बॉल हिट होने ही वाली है। जी। ऑलराइट। और सेकेंड पिक्चर में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इल्यूजन लग सकते हैं। बच्चे को लग सकता है कि प्लेयर ने, बैट्समैन ने बॉल को हिट कर दिया है और वो बॉल जो है अभी सामने किसी ना किसी प्लेयर के हाथ में जाने वाली है, या फिर अभी ये जो बॉल है पीछे विकेट कीपर इसे कैच करने वाला है और वो इमीडिएटली स्टंप आउट करने वाला है, या फिर हो सकता है ये बॉल खुद से ही जाकर विकेट्स में स्टक होने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि एट एवरी बॉल प्रोबेबिलिटी इज एग्जिस्टिंग देयर। कोई भी बॉल जब हम जैसे ही बैट्समैन के पास आ रही है, हो सकता है कि वो बॉल जैसे ही उसके बैट पर बल्ले को छूती है तो वहां पर एक सिक्स लगे और हो सकता है कि इमीडिएट वो जो है कैच आउट हो जाए या फिर स्टंप आउट हो जाए। सो यानी कि हर बॉल पर प्रोबेबिलिटी है, बैट्समैन हर बॉल के साथ 50-50 चांसेस लेते हुए चलते हैं, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि फिर भी हमारे बहुत सारे जो लवर्स होते हैं, गेम लवर्स, क्रिकेट लवर्स और या किसी भी गेम के लवर्स, उन्हें पता होता है कि अच्छा अभी तो धोनी ने आना है, अभी तो ये प्लेयर ने आना है, अभी तो मैच अच्छा चलने वाला है, अभी हम होप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी तक के स्कोरिंग के बेस पर हम बता सकते हैं कि उसके आउट होने की प्रोबेबिलिटी कम है। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस, उसके लंबा दौड़ने की, लंबा खेलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ऑलराइट, ठीक इसी तरह से हम देख सकते हैं कि बास्केटबॉल के अंदर अगर किसी भी नॉर्मल पर्सन ने, हु इज नॉट अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल, हो सकता है कि उसकी बॉल सीधा बास्केट के अंदर हिट कर जाए, हो सकता है रह जाए, तो ऐसे केस में 50-50% चांसेस हो सकते हैं।
और इस चीज को बहुत डेप्थ में बताने के लिए बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक प्रोबेबिलिटी लेट मी डिस्कस अबाउट द थ्री केसेस. ओके, दिस थ्री केसेस आर द फर्स्ट वन इज कि जितनी भी चीजें हैं ना वो हो सकता है या तो सर्टेन टू हैपन होंगी या फिर नॉट सर्टेन बट कैन हैपन. और एक तीसरी चीज हमारे पास जो होगी वो होगी कि मींस वी कैन नॉट से. सो ठीक है, लाइक सर्टेन टू हैपन वी कैन से एक एग्जांपल लेते हैं. दिस इज द मंथ ऑफ फेब. अभी फेब मंथ चल रहा है. फेब से जस्ट नेक्स्ट जो मंथ है वो मार्च है. आई एम सेइंग दैट नेक्स्ट मंथ विल बी मार्च. नेक्स्ट टू दैट इट विल बी अप्रैल. सो आई एम राइट, दिस थिंग इज सर्टेन टू हैपन. हम चाहकर भी इसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते. वो चीज होनी ही होनी है, एज सच होनी है. उसके होने की प्रोबेबिलिटी 100% है. 1% भी इधर उधर हम नहीं कर सकते. बट इफ यू टॉक अबाउट कि कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कोई चीज हो तो सकती है बट जरूरी नहीं है कि वो हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज अ क्लाउडी डे और हमें लगता है कि क्लाउडी डे है, बारिश हो जाएगी, बट गूगल तो शो कर रहा है बारिश नहीं होगी. ऑलराइट, तो ऐसे में क्या है कि वो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. सो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. और तीसरा केस है विच इज नॉट पॉसिबल, विच कैन नॉट हैपन. इफ आई एम सेइंग दैट टुमारो इट विल बी मंडे, तो आज फ्राइडे है, कल मंडे होगा, ये 100% इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सो इट इज इम्पॉसिबल स्टेटमेंट. तो इन तीनों केसेस में से प्रोबेबिलिटी जहां हमें निकालनी पड़ती है वो केस बेसिकली होता है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन का. या फिर इसके लिए हम बहुत सारे और एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी. जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं. इफ वी टॉस एन अनबायस्ड कॉइन वी मेक गेट हेड और टेल. वी मेक गेट हेड और टेल. अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आने के चांसेस हैं या तो टेल आने के चांसेस है. डेफिनेटली कॉइन को टॉस करने पर इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, बट एडवांस में हमें नहीं पता कि क्या आने वाला है. ऑलराइट, अभी बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की. इन द टॉपिक प्रोबेबिलिटी वी विल डिस्कस सम पर्टिकुलर टर्म्स एंड द वेरी फर्स्ट टर्म आउट ऑफ दीज इज एक्सपेरिमेंट. एन ऑपरेशन विच रिजल्ट्स इन वेल डिफाइंड आउटकम्स इज नॉन एज एन एक्सपेरिमेंट. दिस इज एन एक्सपेरिमेंट. जो आप साइंस लैब में नहीं जा रहे, आप साइंस लैब में जाकर कहीं पर भी कोई बीकर नहीं उठा रहे, इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज नॉट अ साइंस एक्सपेरिमेंट. इट इज कोई भी छोटी सी छोटी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं. ऑलराइट, वहां से जो हमारे पास केसेस होने पॉसिबल हैं, जैसे लूडो हम सब खेलते हैं, तो क्या करते हैं, हम डाय को टॉस करते हैं. अब डाय टॉस करने से पहले हमारे पास 6 केसेस हमारे माइंड में घूम रहे होते हैं कि 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6, कोई भी एक नंबर जो है वो ब्लिंक हो सकता है. ऑलराइट, तो ये सभी के सभी जो केसेस हैं इन्हें हम बोलेंगे टोटल वेल डिफाइंड आउटकम्स या फिर टोटल एग्जॉस्टिव केसेस या फिर टोटल पॉसिबल केसेस. वेल डिफाइंड आउटकम्स, टोटल पॉसिबल केसेस, टोटल एग्जॉस्टिव केसेस. ऑलराइट, देन वी विल डिस्कस अबाउट रेंडम एक्सपेरिमेंट. एन एक्सपेरिमेंट, कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें सभी के सभी पॉसिबल आउटकम्स नॉन होते हैं. जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कॉइन का या फिर एक डाय का, तो हमारे सामने है सभी पॉसिबल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन केस ऑफ अ डाय. एंड ये डिपेंड करता है कि जो भी डाय टॉस कर रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि वो चाहता है कि मुझे 1 ही मिले, वो चाहता है मुझे 6 ही मिले. इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस सिचुएशंस. कई बार ऐसा होता है सामने वाला प्लेयर हमें दिख रहा होता है कि 3 मुझे चाहिए, साथ के साथ ही मैं सामने वाले प्लेयर को कट करने वाला हूँ, है ना. तो उस टाइम 3 इज मोर इम्पॉर्टेंट टू हिम. समटाइम्स 6 इज मोर इम्पॉर्टेंट टू हिम. सो इट डिपेंड्स अपॉन एवरी स्टेप व्हाइल प्लेइंग दैट गेम. तो इसलिए हमने यहां पर बोला कि द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस. पहले से हमें कभी भी नहीं पता होता कि एग्जैक्ट आउटकम आने क्या वाला है, बट हमें सभी 6 पॉसिबल आउटकम्स पता है. Okay. इसी तरह से एक और हमने यहां पर एग्जांपल लिया है. दिस इज द केस ऑफ अ कार्ड. इफ वी ड्रॉ अ कार्ड, इट इज कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, वी मे गेट अ कार्ड ऑफ एनी सूट.
तो हमारे व्यूअर्स को हम बता देते हैं कि कार्ड्स जो है टोटल 52 होते हैं, और उनमें से कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं विच आर स्पेड, कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो क्लब, डायमंड और हार्ट के होते हैं। तो जैसे ही हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, विल डेफिनेटली डिस्कस कि कितने कितने कार्ड्स किस किस कैटेगरी में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके मैम, लेट अस डिस्कस अबाउट अ ट्रायल। व्हेन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड वंस, जब हमारा एक्सपेरिमेंट एक ही बार परफॉर्म करेंगे, दैट इज नॉन एज अ ट्रायल। ऑलराइट, और जब द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नॉन एज द सैंपल स्पेस। जैसे हम यहाँ पर एस के अंडर शो किया है सैंपल स्पेस, ये किस चीज का सैंपल स्पेस है? इफ वी आर टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, तो हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पर हेड आए या तो टेल आए, ऐसे ही सेकेंड कॉइन पर भी हेड भी आना पॉसिबल है और टेल आना भी पॉसिबल है। सो व्हाट आर द टोटल केसेस? पॉसिबल है कि पहले कॉइन पर भी हेड और सेकेंड कॉइन पर भी हेड आ जाए, या फिर फर्स्ट कॉइन पर तो हेड ही आता है लेकिन सेकेंड कॉइन टेल, देन टेल हेड एंड टेल टेल। सो दीज आर दी फोर पॉसिबल आउटकम्स इन केस ऑफ टॉसिंग टू कॉइन्स together, and definitely these two coins are representing are not identical, there is some difference. मान लेते हैं एक coin 1 rupee coin है, दूसरा coin 2 rupee coin है, तो हमें बहुत ही clearly समझ आ रहा है कि head 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 tail tail head and tail tail, these are the four possible outcomes. Okay. After discussing this, let us proceed ahead. Event के बारे में हम बात करेंगे और डेप्थ में इनके बारे में पढ़ते हुए देन विल डिस्कस वेरियस क्वेश्चंस। द वेरी फर्स्ट इज एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज नॉन एज एन इवेंट। यानी कि सैंपल स्पेस अभी हमने देखा था, जब हम सभी के सभी केसेस वो पर्टिकुलर टास्क होने पर काउंट करते हैं, जैसे एक डाई टॉस करने पर 6 केसेस हो सकते हैं, दो कॉइंस को इकट्ठे टॉस करने पर टोटल पॉसिबल केसेस 4 हो सकते हैं। ऐसे ही अभी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लेट अस डिस्कस अबाउट कि उन सभी केसेस में से, कंप्लीट सैंपल स्पेस में से कोई भी एक ऐसा सबसेट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लाइक लेट अस डिस्कस, एक एग्जांपल की हेल्प से अगर हम डिस्कस करते हैं, विल बी एबल टू डिस्कस इट प्रॉपरली। इफ आई एम टॉसिंग अ डाई, सो दीज 6 केसेस आर पॉसिबल, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नाउ इफ आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू पीपल दैट वट डू वी मीन बाई इवेंट and that too about null event. Event के बारे में अभी हमने बताया, event is just a subset of the given sample space. Okay. All right? So if I'm talking about null event, तो इसको आप इस तरह से सोच सकते हैं कि मैं आपसे पूछती हूँ कि जब एक die toss करते हैं तो 7 आ जाए, क्या ऐसा possible है? No, ऐसा not कभी possible नहीं है। That means that will be known as an null event, जिस event के अंदर कोई भी element आना possible नहीं है, क्योंकि die के ऊपर 7 होता ही नहीं है। Sure event, that means the event जिसकी probability हमेशा 1 होती है, and sure event means जो 100% all the sample space को completely cover करता है, that is known as a sure event and the probability of a sure event is 1. ठीक इसी तरह से probability of a null event is always 0. Now let us discuss about a simple event. Simple event means an event in which only one case will be there. जैसे die के case में मैं बोलती हूँ, F is an event of getting an even prime number. यानी कि F के अंदर वो सभी के सभी numbers इन 6 में से काउंट हो जाएंगे जो कि इवन भी होंगे और प्राइम भी होंगे। तो हम जानते हैं ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, एंड दैट नंबर इज 2, विच इज एन इवन प्राइम नंबर। सो F विल बी नॉन एज अ सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट के बिल्कुल आगे अगर बढ़ते हैं, कंपाउंड इवेंट, यानी कि कोई भी ऐसा इवेंट जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। सो डियर व्यूअर्स, जब किसी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज अ नल इवेंट। एक एलिमेंट है, दैट इज अ सिंपल इवेंट। सभी एलिमेंट्स है, दैट इज अ श्योर इवेंट। और एक से ज्यादा कितने भी एलिमेंट्स हैं, दैट इज अ कंपाउंड इवेंट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस मींस किसी फेवरेबल केसेस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने पर
जो जो केसेस उस इवेंट की फेवर में काम करते हैं। जैसे इसी एग्जांपल में डाई के केस में हम एग्जांपल लेते हैं कि जी इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, सो वी नो दैट 2, 4 and 6 दीज थ्री आर इवन नंबर्स, दैट मीन्स इन तीनों में से कोई भी एक नंबर चूज हो सकता है, तो इन तीनों ही केसेस को हम बोलेंगे फेवरेबल केसेस। और इफ यू टॉक अबाउट द एग्जॉस्टिव केसेस देन ऑल द सिक्स केसेस आर नोन एज द एग्जॉस्टिव केसेस। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर कोई भी दो इवेंट्स है, जैसे हमने यहाँ पर एक इवेंट जी लिखा है, एक दूसरा इवेंट हम लिखते हैं इवेंट ई, और इवेंट ई के अंदर आ रहे हैं ऑल द ओड नंबर्स। अब अगर हम जानना चाहते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेट अस हाईलाइट अस कि जी और ई इवेंट के बीच में क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में ही कॉमन आ रहा है, सो वी कैन सी के एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन है, दैट मींस दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और ऐसे कोई भी दो या तीन या चार इवेंट्स जिनको यूनियन करने पर, कंबाइन करने पर कंप्लीट सैंपल स्पेस फ्रेम हो जाता है, दोज इवेंट्स आर फ्रेमिंग द एग्जॉस्टिव केसेस, एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, और प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ एक ऐसी बातें जो जनरली हमेशा ट्रू रहती हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट में एग्जॉस्टिव केसेस, अगर हमने कहा कि एग्जॉस्टिव केसेस हैं m, फेवरेबल केसेस हैं m टू एनी इवेंट e, और हम जानना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट e, सो दैट प्रोबेबिलिटी विल बी m डिवाइडेड बाय n, यानी कि आप टोटल फेवरेबल केसेस को अगर डिवाइड कर देते हैं, टोटल एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव लिख दिया तो टोटल लिखने की जरूरत नहीं रहती, एग्जॉस्टिव केसेस से अगर आप डिवाइड करते हैं, देन दैट इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। ओके, ऑलराइट, एक दो बातें बहुत इंटरेस्टिंग है जान लेते हैं जी। नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो, ठीक है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा वन, और किसी भी केस में कभी भी किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो वन से ज्यादा नहीं हो सकती, मीन्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो वन पॉसिबल है, ठीक है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी जीरो। जैसे कि हम यहाँ पर नंबर फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज वन। वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल हियर, वी विल डिस्कस थ्रू दैट, बट बिफोर दैट फर्दर हम एक पॉइंट, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। व्हाट आर दीज, इफ ई इज एन इवेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, बट दैट विल बी लेस देन वन। ओके, कभी भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो से कम नहीं होती और वन से ज्यादा नहीं हो सकती। जीरो पॉसिबल है नल इवेंट के लिए, वन पॉसिबल है श्योर इवेंट के लिए। इफ आई एम सेइंग कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1.5 है, सो आई एम 100% रॉन्ग। इफ आई एम सेइंग द प्रोबेबिलिटी कैन बी -7/11, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एंड इफ आई एम सेइंग दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड ऑफ नॉट हैपनिंग इट, द सम ऑफ बोथ ऑफ दीज इज वन, देन दैट इज अ 100% करेक्ट स्टेटमेंट। किसी भी काम का होना और ना होना, उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को जब आप प्लस करेंगे, then the final answer will be one. Let us understand the same with the help of a few examples. Okay. It is in a single throw of an unbiased die. ये unbiased word को समझना बहुत important है, अगर हम probability को depth में समझना चाहते हैं। शोले movie देखी होगी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने, और नहीं देखी तो एटलीस्ट शोले मूवी में वो जो कॉइन वाला सीन है, अगर आप बोलते हैं यूट्यूब पर भी द कॉइन सीन ऑफ द मूवी शोले, तो आप समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पर आपके साथ क्या डिस्कस करना चाहती हूँ। yes, वहां पर अमिताभ बच्चन, आप तो बिल्कुल जानते होंगे सृजन जी, कॉइन टॉस करते हैं अमिताभ बच्चन, और वो बोलते हैं कि आई विल फाइट विद, जिनके साथ भी वो सामने लड़ रहे हैं, मैं यहाँ पर लड़ रहा हूँ, और आप वापिस जाएंगे, गांव चले जाएंगे, अपने फ्रेंड को बोलता है इफ द हेड विल बी देयर, अगर हेड आता है तो तुम रुकोगे, अगर अगर हेड आता है तो मैं रुकूंगा, अगर टेल आता है तो तुम यहाँ रुकोगे, लड़ाई करोगे, एंड आई विल गो टू द विलेज। ऐसा करके वो हमेशा हर बार वो कॉइन ही निकालता है। तो वो कॉइन एट द एंड ऑफ द मूवी, अमिताभ वॉज नियर अबाउट अपने डेथ बेड पर हैं,
और जो उनका फ्रेंड है धर्मेंद्र जी, वो कॉइन को देखते हैं तो वो कॉइन जो है दैट इज अ बायस्ड कॉइन, बाइसिंग चल रही थी पूरी मूवी में उनके साथ। उस कॉइन के दोनों ही फेसेस जो हैं वो हेड्स थे, क्लियर? ऐसे ही कई बार ऐसा होता है ना, हम कोई कॉइन जब टॉस कर रहे हैं हम कहते हैं कि ये कॉइन मेरा हेड ही आ जा रहा है, टेल आ ही नहीं रहा। वो कई बार ऐसा होता है वही एक तरफ का पलड़ा जो है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। ऑलराइट, जो डाई है वो भी अनबायस्ड है, इसके कोई भी दो फेसेस ऐसे नहीं है जिन पर सिक्स ही प्रिंट है। ऑलराइट, दिस इज एन अनबायस्ड डाई। अनबायस्ड वर्ड को समझने के लिए आई ऑलवेज फाइंड दिस एग्जाम्पल एन एक्सीलेंट वन। और अब हम आगे बढ़ते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर फोर। जब आपने डाई टॉस की तो सैंपल स्पेस के अंदर ऑल दीज सिक्स आउटकम्स कैन बी पॉसिबल। इफ आई एम सेइंग दैट ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग, दिखेगा वे यही रहेगा डियर व्यूअर्स। लेट अस सपोज दैट ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाट सो एवर द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फॉर द नंबर फोर। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इट कैन बी रिटन एज दिस। हमारे व्यूअर्स क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेते हैं, दे नो द आंसर विल बी 1/6 क्योंकि फोर आने के चांसेस, एक ही नंबर चाहिए इन सिक्स में से। फेवरेबल केस इज वन, टोटल एग्जॉस्टिव केस इज सिक्स, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6। ऑल राइट, बट लिखने का वे भी हमें अच्छे से आना चाहिए। वी विल सपोज दैट दिस इज एन इवेंट ई और इवेंट एफ और इवेंट जी वर्सो एवर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ नंबर अदर देन थ्री, यानी थ्री नहीं होना चाहिए और कोई भी नंबर। तो डाई में ऐसे कितने नंबर है जो थ्री ना हो? फाइव। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 5/6। सिक्स। इसी तरह से इफ आई सपोज दैट जी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, सो जी के लिए कौन कौन से केसेस आपके पास थ्री पॉसिबल बाय हैं? आपके सिक्स पास जी, बिल्कुल 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 श्रीजन जी, आप बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। इट इज 3/6। द नेक्स्ट इज अ नंबर लेस देन 5, सो इट विल बी 4 4/6। ग्रेट। एंड देन एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ थ्री, ये कॉन्सेप्ट हमें अपने व्यूअर्स को समझाना है। देखिए, समटाइम्स क्वेश्चन में एग्जामिनर और आपसे पूछता है, समटाइम्स एंड, यानी कि दो दो क्वेश्चंस दे दिए हैं, दो केसेस दे दिए हैं कि इवन नंबर भी आ सकता है ठीक है या तो थ्री का मल्टीपल आ सकता है। तो हम ओके देख लेते हैं ऐसे कितने नंबर्स हैं विच आर इवन, सो दीज आर 2, 4 एंड 6। ऐसे कितने नंबर्स हैं विच आर मल्टीपल्स ऑफ थ्री, दीज आर 3 एंड 6। सो ओके सिक्स ऐसा नंबर है जिसे हमने टू टाइम्स काउंट कर लिया, सो वी विल नॉट काउंट दैट ट्वाइस। वी विल टेक दीज फोर केसेस एज 2, 3, 4 एंड 6, क्योंकि दो बार हम कोई भी आउटकम को नहीं लिखेंगे, ठीक है वो आउटकम एक एक्सपेरिमेंट में एक ही बार आ सकता है। ऑलराइट, सो द आंसर फॉर दिस विल ऑल्सो बी 4/6। एंड इफ एंड विल बी मेंशन देयर देन व्हाट वी विल टेक, ओनली दोज केसेस विच आर इवन एज वेल एज मल्टीपल ऑफ थ्री। दैट मीन्स ओनली द कॉमन केसेस विल बी काउंटेड इन दिस केस, सो दिस इज ओनली सिक्स एंड द आंसर फॉर द सेम विल बी 1/6। सो ये एंड और का डिफरेंस हमें समझ आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन हियर एंड देन वी विल। मैम, क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत कम सा रह गया है, सो हम आपसे चाहेंगे कि ये क्वेश्चन आप बच्चों को एज अ एग्जाम्पल, आप जैसे कि दे चुके हैं तो आप इसे एज अ क्वेश्चन दे दीजिए, सो बच्चे उसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और प्रोबेबिलिटी पार्ट टू में हम नेक्स्ट क्या जानेंगे उसका हम आपसे एक छोटा सा कंक्लूजन ले लेते हैं। जी सृजन जी, बिल्कुल। तो अगर मैं अपने व्यूअर्स को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देना चाहूंगी, आई विल जस्ट टेल देम द मीनिंग ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स ओनली। व्हाट डज दे मीन बाय एट लीस्ट एंड व्हाट डज दे मीन बाय, व्हाट डू दे मीन बाय एट मोस्ट। अब एट मोस्ट कहीं पर भी अगर लिखा होगा, इसके लिए फिर से हम रियल लाइफ में आते हैं। मान लीजिए कोई भी टीचर है और टीचर ने बच्चों को बोला कि यू हैव टू डू वन थिंग, आपको घर पर जाना है, और आज साइंस टीचर ने बोला आपको एक्सपेरिमेंट्स कुछ घर पर सिंपल सिंपल छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके आने हैं, ठीक है। एंड द टीचर सेज एट मोस्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, द स्टूडेंट कैन परफॉर्म वन,
जीरो हो सकता है, कोई भी ना करे क्योंकि टीचर ने बोला था एटमोस्ट टू थ्री, ज्यादा से ज्यादा 3 एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, तो हो सकता है बच्चा करे ही ना और बड़ा क्लेवरली आंसर करे कि मैम आपने कहा था एटमोस्ट 3 करने हैं, और ना तो जीरो या फिर वो 1 एक्सपेरिमेंट कर सकता है या तो 2 या फिर एटमोस्ट 3। ऑल राइट, ऐसे ही मान लीजिए मदर ने बच्चे को भेजा मार्केट के, बेटे एक बार मार्केट जाओ, आस्क द शॉपकीपर कि पटेटोज की कॉस्ट पर केजी कितने रुपीज है, और जितने भी होगी, जितने भी रुपीज होगी, अगर अंकल कहते हैं, समटाइम्स ये नॉर्मली हमारे घरों में चलता है कि अगर 40 रुपीज पर केजी देते हैं तो इतने ले आना, 30 रुपीज पर केजी देते हैं तो इतने ले आना, तो अगर मदर बोल रही है बच्चे को कि जितने भी रुपीज कॉस्ट हो बट एटलीस्ट 1 केजी तो ले ही आना, ठीक है, और वो बच्चा अगर हाफ केजी लेकर आता है तो क्या उसने मदर की बात को सही समझा? जी। नहीं। तो मैम आपने क्वेश्चन भी बहुत वंडरफुली एक्सप्लेन कर दिया है, एंड आई एम श्योर बच्चों ने इस टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सीख लिया है, तो अब वो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने में। तो बच्चों अब ये सत्र हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सविता ग्राहक मैम का। मैम हमारे साथ गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र से जुड़ी हैं। आज के इस प्रोबेबिलिटी के मैथ्स के सत्र के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी सृजन, धन्यवाद। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी पार्ट टू में हम आगे बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम कुछ ही देर में, बस कुछ ही मिनटों में इनफैक्ट, एक और लाइव इंटरेक्टिव सेशन आप सभी के लिए लेकर आएंगे, जिसमें कक्षा 9 के बच्चों के लिए संस्कृत का विषय है लोहतुल्ला। तो आप इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन से भी ज़रूर जुड़ें। मैं सृजन राजपूत यहीं आपसे चाहूँगी अनुमति। नमस्कार।